नमस्कार, स्वागत है आपका I9 न्यूज इंडिया में। बजट आ चुका है, आपको समझ में आएगा ही नहीं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो इसके विश्लेषक हैं, जो इसका विश्लेषण करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये बजट है इतना कंफ्यूजिंग है कि हमारा क्या कहते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो विश्लेषक होते हैं, जो बिल्कुल समझते हैं सब चीजों को, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने बोल क्या दिया। ढाई घंटे में 2.5% भी बात समझ में लोगों को नहीं आई। लेकिन मैं आपको उसको समझाता हूं क्यों। देखिए, आप शेयर मार्केट को देखेंगे, पहले वो 700 पॉइंट नीचे गया, वो समझ रहा था कि आखिर वित्त मंत्री कहना क्या चाहती हैं। जब शेयर मार्केट को ये लगा कि भाई साहब थोड़ा सा और दोबारा से सोचना चाहिए, तो वो 1000 पॉइंट नीचे पहुंच गया। सवाल यहां पर यह है कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया क्या। अब यहां से शुरुआत से शुरू करता हूं। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने जो अपना बजट पढ़ा वो 91 बजट था। अब देखिए, सबसे पहला बजट पढ़ा गया था 1947-1948 में। किसने पढ़ा था? पढ़ा था डॉक्टर आर के शंख मुखम ने पढ़ा था। सबसे लंबा भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। कितना लंबा था? 2.5 घंटे से ज्यादा का पूरा भाषण था। इससे पहले 2014-15 में अरुण जेटली ने 130 मिनट का भाषण दिया था। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने भाषण दिया था, उसमें 18,650 शब्द थे। देखो, ऐसी रिसर्च होती है कि 18,650 शब्द थे। सबसे छोटा जो भाषण रहा है वो 1977 में H.M. पटेल के द्वारा रहा था, जिसमें सिर्फ 800 शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया होगा। अब 800 शब्दों में उन्होंने क्या क्या बोल दिया होगा, तो अब इसका अंदाजा आप लगाइए। देखिए पूरी स्क्रीन पर वित्त मंत्री सीतारमण को सुनना अपने आप में टॉर्चर सहना जैसा लग रहा था। एक तो आपको 2.5 स्क्रीन तक स्क्रीन पर देखना और आपको देख करके प्याज वाली बात आ जाना, ओला उबर की वजह से स्लो डाउन हो जाना, ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं। तो ले दे करके हमने कोशिश की, समझने की कोशिश किया, बताने की कोशिश क्या कर रही हैं। तो इसी कोशिश में ही सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे चला गया आपकी बात होने के बाद। अब देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला है कि वो 5 स्मार्ट सिटीज बनाएंगी, PPP मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाएंगे 5 स्मार्ट सिटीज। अच्छा, आपने इससे पहले ना 100 स्मार्ट सिटीज की बात की थी, उसका अपडेट क्या है? क्या एक भी बनी है? अगर एक भी बनी तो साहब बता देना मुझे, मैं बैंक का कर्ज लेकर के, लोन लेकर के जाऊंगा और बैंक को बकायदा बताऊंगा कि मेरे द्वारा, एक आम आदमी के द्वारा ये पैसा NPA नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सरकार के काम को देखने जा रहा हूं कि सरकार ने कहां पर स्मार्ट सिटीज बना दी हैं। तो कितनी स्मार्ट सिटीज आपने अब तक बनाई हैं, ये भी आपको पूछ बताना होगा। अब दोस्तों, आप सभी को पता है जो बैंक है उसकी जो माली हालत है बहुत खस्ता है, ठीक है। अब बैंक है, उसमें जो NPA है साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के NPA हो चुके हैं। मुद्रा योजना अगर आप देखेंगे तो भाई साहब हर साल दुगनी रफ्तार से वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा बैंक है वो टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, हाँ टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, तो गलत नहीं होगा। अब उसमें क्या होता है कि आपकी, अगर आपका बैंक डूब जाता है, उस बैंक में आपका अकाउंट है, तो होता क्या है कि आपका पैसा डूब गया तो आपको महज 1 लाख रुपया मिलता था। अब सरकार ने क्या बोला कि अगर आपकी बैंक डूब जाती है तो आपको 1 लाख नहीं, अब 5 लाख रुपया मिलेगा। सरकार की तरफ से आपको ये बात बता दी। और वहीं पर 2025 तक हम TB को खत्म कर देंगे। अच्छा, इन्होंने TB बोला, मुझे TV समझ में आया, अब TB खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी याद आ गया कि माध्यमों की क्या जरूरत है, मैं तो घबरा सा गया। फिर नीचे जो फ्लैश हो रही थी ना, तब जाके समझा कि ये TB है, TV नहीं है। तो 2025 तक इनका ये है कि TB खत्म कर देंगे, और 2024 तक 100 एयरपोर्ट बना देंगे, और 150 ट्रेनें चलेंगी PPP मॉडल पे, जैसे कि तेजस ट्रेन थी ना, वैसे ही 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। इस पे मेरा एक विश्लेषण है, 16 मिनट का वीडियो है, लल्ला लल्ला लोरी करके, मतलब हेडफोन लगा लीजिए, सुन लीजिए, सुनते सुनते अगर नींद आ जाए, ठीक है, नहीं आती तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम INI न्यूज़ इंडिया है, ठीक है। अब देखिए, इस पे जो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहां कहना चाहूंगा कि प्राइवेट ट्रेन लाना सही भी है, गलत भी है। तो आपको यहां सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि प्राइवेट ट्रेन का मतलब आप समझिए कि प्राइवेटाइजेशन का यह मतलब हो रखा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नेशनलाइजेशन ऑफ लॉसेस। इस बात को समझाया जाइए, प्यार से समझिए इस बात को। अब देखिए, अगला अपडेट यह है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनियों को, मतलब आलू ले ले, भिंडी ले ले, टमाटर ले ले, घीया ले ले, इस तरह तर्ज पर। अब आप जितने भी देखें पब्लिक, जो आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उसको सरकार प्राइवेटाइज करने की तरफ बढ़ती जा रही है। अब आप सबको पता है LIC की माली हालत इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो उसका NPA है पिछले साल से 6.82% बड़ा है, यानी कि जो कंपनियां LIC से पैसा ले रही थी वो उसको लौटा नहीं रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जैसे IL&FS, इस कंपनी के बारे में अगर आपको भी जानना है, इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस पे टोटल, इस पे जो कर्ज है वो 92,000 करोड़ का है। टोटल असेट इस समय IL&FS पे कितने हैं? 35,000 करोड़ सिर्फ।
अब देखिए जो NHAI है उसने भी हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज लिया है, ठीक है, बिना भी सिक्योरिटी के, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, हजारों करोड़ का कर्ज ले रखा है। तो LIC को प्राइवेटाइज करना ये कितना सही है कितना गलत है एक अलग डिबेट का टॉपिक बन जाता है, इसमें मैं कवर अप नहीं करूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए LIC का जो NPA है ना वो ICICI और एक्सिस बैंक और यस बैंक में जितना NPA है उसके लमसम लमसम LIC का हो रखा है। LIC की टैगलाइन क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब प्राइवेटाइज हो गया तो क्या हो जाती है, देखने के बाद, अब मरने के बाद आत्मा को शांति नहीं, चलो कोई तुक नहीं बना लेकिन जो भी है आप समझ लीजिए। सरकार ने बोला है कि भैया हम GST को और आसान कर देंगे, जो ये बात है वो अप्रैल 2020 में ही लागू हो जाएगी, जो हम नया प्रोसेस लाने वाले हैं 2020 में हम लागू कर देंगे। अब सबको पता है GST जो फाइलिंग है, जो सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसके चलते सरकार को भी टैक्स नहीं मिल रहा है, आप सबको बता देना चाहता हूं कि टोटल GST को जो फाइल करते हैं वो 1.5 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग फाइल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। सरकार ने बोला ठीक है हम इसको और सिंपल कर देंगे। सर जब देखो जब GST को लागू किया गया था तो बोला था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत ही सिंपल टैक्स है, उसमें कुछ नहीं है, और जितना भी जो सोफेस्टिकेटेड जो जिस तरह से वैट था इसको खत्म करके GST लाएंगे तो देश को फायदा होगा। लेकिन हालत तो ये है कि जो आपकी स्टेट्स हैं उन तक को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, इतनी बुरी हालत हो रखी है। अब इन्होंने बोला कि अप्रैल में हम दोबारा से इसको हमने और सरल बना दिया है तो और अच्छा सा हम लोग अच्छा टैक्स कलेक्शन भी होगा, सरल हो जाएगा तो आसानी से लोग भर भी पाएंगे टैक्स को, सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों अगला है कि डिफेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर की बात मैं कर लेता हूं। डिफेंस सेक्टर, रक्षा मंत्री हमारी वित्त मंत्री जो आज हैं, पहले रक्षा मंत्री थी, आज जब वित्त मंत्री होकर के रक्षा मंत्री के नाते जो वो कुछ करना चाहती थी नहीं कर पाई वो अलग बात है, लेकिन वित्त मंत्री थी, अगर वो चाहती तो रक्षा मंत्री रहते हुए जो वो चाहती थी वो कर सकती थी। यानी कि रक्षा बजट पे उन्होंने सिर्फ एक मामूली बढ़त की है। 2020-21 का अगर आप बजट देखेंगे तो 3.23 लाख करोड़ का बजट है, एक मामूली सी बढ़त है, क्योंकि पिछले साल 2019 और 2019-20 में अगर देखेंगे तो 3.18 लाख करोड़ का था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बजट में बहुत मामूली सी बढ़त है तो आप लोग खुश मत होइएगा। मैं आपको इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ, बालाकोट का एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो हमें अपनी एयरफोर्सेज की, भारतीय फौजों की तैयारी थी उसमें खामियां नजर आ गई थी। कैग भी हर बार समझा रहा है, बोल रहा है कि जो हमारा जो सेनाओं का जो बजट है ना उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं नहीं कर पा रहे हैं, बजट की कमी है। सियाचिन का एग्जांपल ले लीजिए कि वहां पे खाने की कमी है, कैलोरीज नहीं ले पा रहे हैं, अब यहां तक कि अपने जूते तक नहीं ले पा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो सरकार को थोड़ा इसमें सोचना चाहिए। तो बजट के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको भारतीय नौसेना की बात बता देता हूं। देखिए कैश शॉर्टेज के चलते भारतीय नौसेना ने 2027 तक 200 जहाज को मजबूत सेना बनाने की अपनी योजना को फिर से बनाने पर मजबूर हो रही है। देखिए आपको समझिएगा, एक मामूली सी बढ़त इन्होंने की है। अब एजुकेशन सेक्टर को लेकर सरकार ने बजट बढ़ा दिया है, खुश मत होइएगा, सिर्फ 99,300 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट आपको लग रहा होगा लेकिन टोटल बजट का ये सिर्फ 3% है, 3% है, ये ज्यादा है कम है इसका अंदाजा मैं आपको बताता हूं। ब्रिक्स BRICS जिसमें भारत भी शामिल है, 5 देश होते हैं इसमें, इसमें भारत भी शामिल है, तो इसमें भारत का 4th स्थान है। अगर भाई इंडोनेशिया की बात करूं तो उसका टोटल बजट का 20% तो जो हिस्सा होता है वो एजुकेशन के साइड में रख जाता है, जो कि भारतीय है सिर्फ 3% यूज करते हैं। ब्रिक्स की बात मैं कर रहा था तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो देश आता है साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राजील आता है, फिर चाइना आता है, इंडिया आता है 4th नंबर पर जो बहुत कम हिस्सा खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर, फिर रशिया आ जाता है। अब आपको समझना होगा कि हिसाब किताब क्या चल रहा है, सरकार को सोचना चाहिए था। अब दोस्तों सरकार ने ना एक इनकम टैक्स की बात की है। अब सरकार ने बोला कि अगर 5 लाख तक आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, अगर 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में कमाते हैं तो 10% देना होगा, 7.5 से अगर 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो आपको 15% देना होगा, अगर 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में आती है तो 20% देना होगा, और अगर वहीं 12.5 से 15 लाख के बीच में आती है तो आपको 25% देना होगा, और 15 लाख से ऊपर आपकी अगर इनकम है आपको 30% देना होगा। आप लोग बड़े खुश, चलो कम से कम छूट तो दी कुछ, लेकिन यहां पर भी दोस्तों एक कैच है, सिर्फ यही है कि अगर आप ये जो सरकार ने नया टैक्स स्लैब बनाया है अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं, सरकार ने आपको 2 ऑप्शन दिए, या तो जो नया टैक्स स्लैब है उसको ऑप्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने पुराने वाले पे स्टिक रहिए। अब आप कहेंगे कि भैया हम तो जाएंगे इसके साथ, फायदा तो इसी में है हमें,
जो सरकार ने न्याय निकाला, लेकिन सरकार बोलते ठीक है ले जाओ, हमें क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन सरकार ने साफ तौर पे बोला है कि अगर आप नए वाले टैक्स स्लैब को अगर ऑप्ट करते हैं, इसकी तरफ आगे जाते हैं, तो ATC, ATD, 1010D के द्वारा के तहत आपको मिलने वाला जो छूट है उसको छोड़ना होगा। समझे आप, अगर आप उसको नहीं छोड़ना चाहते, बीमा में निवेश करते हैं, LIC लेते हैं, जीवन बीमा, ये बीमा, वो बीमा, सारे बीमा, मेडिकल वाले बीमा अगर लेते भी हैं, तो आप उसके तहत पुराने टैक्स स्लैब में क्या करते थे ना, उसके तहत आपको छूट मिल जाती थी। नए टैक्स स्लैब में अगर वही चीज़ चाहो कि भैया बीमा भी लेंगे और टैक्स में छूट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको दोस्तों समझना है कि ये वाकई आपके लिए फायदेमंद है, ये आप अभी तुरंत नहीं कह सकते। ये तो आप क्या, ये तो जो बेचारे जो बैठे हैं टीवी पैनलिस्ट पे, जो बहुत सारे जो विश्लेषक बैठे हैं, अब उन जो बात वो जो कहना चाह रहे हैं वो भी एंकर नहीं समझ पा रहे। अब उन सबकी बातों को समझने के लिए भी 10-5 लोगों से बात करनी पड़ रही है कि भैया ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। कि पहले बजट में तो सिर्फ ये था ना कि ये महंगा तो ये सस्ता, ये अलग कंसेप्ट चलता था ना, तो समझ में आता देख करके। अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की खूबी है कि उन्होंने ऐसा करके रख दिया कि भैया बात करते रहो, समझ में कुछ नहीं आएगा, दिल में आएंगे दिमाग में नहीं आएंगे, वो वाला हिसाब किताब हो गया। बाकी पूरा ना एनालिसिस तो यहां मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे ट्विटर पर पहुंचिए, क्योंकि जहां वहां पर मैं एक्टिव हूं और वहां पर मैं आपको पल पल का अपडेट दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा फर्रा मैंने आपको सुना दिया है और इसमें कोई चीज छूटी नहीं है और सब मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा मुझे बताइएगा, और फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ट्विटर और फेसबुक मिलता हूं, और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हो चुका हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, INI News चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।